प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फाइफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन को स्टडी किया था, फाइफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस वीडियो के अंदर हम लाइफो मेथड को स्टडी करेंगे, लाइफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लाइफो मेथड क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लाइफो का कॉन्सेप्ट यह है कि वेयर हाउस के अंदर बहुत सारी इन्वेंट्री आती रहती है डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर, तो जो इन्वेंट्री सबसे लास्ट पे आती है वो सबसे पहले इशू की जाती है। अब लाइफो मेथड के थ्रू आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये वही एग्जांपल है जिसके ऊपर हमने फाइफो मेथड इंप्लीमेंट किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर और उसके थ्रू इन्वेंट्री वैल्यूएशन की थी। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि यूज द लाइफो मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड ऑन March 31st। कि लाइफो मेथड को यूज करते हुए आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करें कि कंपनी के स्टोर या वेयर हाउस के अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी है 31 मार्च को उसकी वैल्यू कितनी है। अब इसके लिए जो हमारे पास डेटा गिवन है ना, उसमें यह है कि 1 मार्च को कंपनी ने 600 यूनिट्स परचेज किए ₹5 के हिसाब से। इसी तरह 5 मार्च को कंपनी ने 200 यूनिट्स परचेज किए ₹5.10 के हिसाब से। इसी तरह 9 मार्च को वेयर हाउस ने 500 यूनिट्स इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब कंपनी की वेयर हाउस के अंदर जो इन्वेंट्री आती है ना, उस इन्वेंट्री को इशू किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है कि उस रॉ मटेरियल को या उस इन्वेंट्री को यूटिलाइज करते हुए फाइनल प्रोडक्ट्स बनाता है। तो यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर कुछ इन्वेंट्री रिसीव होती है और फिर वेयर हाउस उस इन्वेंट्री को इशू करता है। जब भी इशू की डिटेल आएगी ना किसी भी डेट के अगेंस्ट, उसके साथ प्राइस नहीं लिखी होगी क्योंकि इशू के साथ प्राइस नहीं होती, प्राइस सिर्फ और सिर्फ परचेज के साथ लिखी होती है। और इसी तरह 11 मार्च को कंपनी 100 यूनिट्स परचेज करती है ₹4.50 के हिसाब से। अब यहाँ पे प्राइस कम होगी। इसी तरह 16 मार्च को कंपनी फिर 300 यूनिट्स परचेज करती है ₹5.50 के हिसाब से, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगी। इसी तरह 20 मार्च को स्टोर इशू करता है 250 यूनिट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और इसी तरह 29 मार्च को फिर इशू किए जाते हैं 300 यूनिट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो ये हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है जहाँ पे कुछ इन्वेंट्री स्टोर के अंदर आई है और कुछ इन्वेंट्री वेयर हाउस ने इशू की है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब इसी डेटा को यूटिलाइज करते हुए हम लाइफो मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे और स्टोर का लेजर बनाएंगे जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे कि 31 मार्च को कंपनी के वेयर हाउस के अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी है उसकी कितनी वर्थ है, उसकी कितनी वैल्यू है। स्टोर लेजर का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले इसमें डेट का कॉलम होता है, यहाँ पे हम डेट लिखते हैं इन्वेंट्री की परचेज की या इशू की। उसके बाद पर्टिकुलर्स होते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री की डिटेल लिखी जाती है कि कौन सी इन्वेंट्री परचेज की या कौन सी इशू की गई, उसकी बिल आईडी हो सकती है या उसकी ट्रांजैक्शन आईडी हो सकती है। फिर परचेज का एक कॉलम होता है, इशूड का कॉलम होता है और बैलेंस का कॉलम होता है। परचेज के कॉलम के अंदर फिर फर्दर 3 कॉलम होते हैं, यूनिट्स के कितने यूनिट परचेज किए, एक यूनिट की क्या प्राइस थी और टोटल अमाउंट कितनी बनती है। इसी तरह के ही 3 सब कॉलम होते हैं इशूड के अंदर कि कितनी इन्वेंट्री इशू की, एक यूनिट का क्या रेट था और टोटल अमाउंट कितनी बनती है। फिर इसी तरह के ही 3 कॉलम बैलेंस के अंदर आते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बैलेंस में पड़े हुए हैं, एक यूनिट की प्राइस क्या है और टोटल अमाउंट कितनी बनती है। ये हमारे पास लेजर का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर डेट वाइज एंट्रीज की जाती है। अब हम इस लेजर के अंदर पहले एंट्री करते हैं कि 1 मार्च को कंपनी ने 600 यूनिट्स परचेज किए ₹5 के हिसाब से, या पहले कॉलम के अंदर डेट आ गई 1 मार्च। पर्टिकुलर्स में आप बिल आईडी लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप उस इन्वेंट्री का नाम लिख सकते हैं जिसको परचेज किया कंपनी ने, ठीक है। यूनिट्स के अंदर आगे 600 यूनिट्स परचेज किए, एक यूनिट का रेट है ₹5, 600 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ₹3000 की इन्वेंट्री परचेज की गई। अब सेम डेट के अंदर कोई इन्वेंट्री इशू नहीं हुई तो ये इशूड के कॉलम वैसे ही ब्लैंक रहेंगे। अब बैलेंस के अंदर यही इन्वेंट्री आ जाएगी क्योंकि हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगी ना तो पहली लाइन के अंदर आप ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे और बाद में जो एग्जांपल आपको दी गई है या जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी एंट्रीज करेंगे डेट के हिसाब से। तो इसके अंदर यही हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंस में आएगी कि आपके पास 600 यूनिट्स पड़े हुए, एक यूनिट का रेट है ₹5 और टोटल अमाउंट बनती है ₹3000। ये होगी पहली एंट्री। अब हम सेकंड एंट्री की तरफ जाते हैं, वो है 5 मार्च को कंपनी ने 200 यूनिट्स परचेज किए ₹5.10 के हिसाब से। तो यहाँ पे डेट आ गई 5 मार्च और यूनिट्स कितने परचेज किए, 200 यूनिट्स परचेज किए, एक यूनिट का रेट है ₹5.10,
200 को 5 रुपये 10 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1020 रुपये की ये इन्वेंट्री परचेज की गई। यहाँ पे इशूड का कॉलम फिर ब्लैंक रहेगा क्योंकि इस डेट के अंदर कोई भी इन्वेंट्री इशू नहीं की गई। अब यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस के अंदर आपने ये देखना है कि आपने जिस ऑर्डर के अंदर इन्वेंट्री परचेज हो रही है ना उसी ऑर्डर के अंदर लिखना है, यहाँ पे ऑर्डर को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे पहले इन्वेंट्री पड़ी हुई है 600 यूनिट्स की, तो ये पहले वैसे की वैसे आ जाएगी और नीचे हम नई इन्वेंट्री जो परचेज हुई है उसको ऐड कर देंगे कि 200 यूनिट्स परचेज किए 5 रुपये 10 पैसे के हिसाब से और इनकी टोटल अमाउंट बनती है 1020 रुपये। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ कि मार्च 9 को वेयर हाउस ने 500 यूनिट्स इशू किए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब यहाँ पे इशुएंस आ गई, इशुएंस के अंदर ही हम लाइफो के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे कि जो इन्वेंट्री सबसे लास्ट में आई है ना वो सबसे पहले इशू की जाएगी। यहाँ पे डेट आ गई मार्च 9, परचेज का कॉलम ब्लैंक रहेगा क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री इशू हुई है परचेज नहीं हुई। अब यहाँ पे इशूड के कॉलम के अंदर हम एंट्रीज करेंगे कि हमें कितने यूनिट्स इशू करने हैं, 500 यूनिट्स इशू करने हैं और 500 यूनिट्स को इशू करते हुए हमने ये देखना है कि जो इन्वेंट्री सबसे लास्ट पे आई है ना वो सबसे पहले इशू की जाएगी। तो ये हमारे पास अभी तक का बैलेंस पड़ा हुआ है, इस बैलेंस के अंदर सबसे लास्ट पे इन्वेंट्री ये वाली आई है कि ये जो 200 यूनिट्स है ना ये सबसे लास्ट पे आए हैं, 600 यूनिट्स पहले आए थे। तो ये 200 यूनिट सबसे पहले इशू किए जाएंगे और इनका रेट है 5 रुपये 10 पैसे, टोटल अमाउंट बनती है 1020 रुपये। हमें इशू करने थे 500 यूनिट्स जबकि ये 200 यूनिट्स है, इसका मतलब है कि 300 यूनिट्स और इशू करने हैं। वो 300 यूनिट्स ये जो प्रीवियस इन्वेंट्री पड़ी हुई है इसमें से इशू किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लाइफो को इंप्लीमेंट करेंगे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इन्वेंट्री लास्ट पे आई थी तो ये फर्स्ट पे इशू होगी, ठीक है, ये फर्स्ट पे आई थी तो ये बाद में इशू की जाएगी। तो यहाँ पे ये जो 600 यूनिट वाली इन्वेंट्री पड़ी हुई है इसके अंदर से हम 300 यूनिट्स इशू कर देंगे, 300 यूनिट इशू किए, एक यूनिट की प्राइस है 5 रुपये, ठीक है, और इसकी टोटल अमाउंट बनती है 1500 रुपये की ये इन्वेंट्री इशू की गई। अच्छा, अब हमारे पास बैलेंस कितना पड़ेगा, इस बैलेंस के अंदर ये जो 200 की इन्वेंट्री थी ना ये तो हमने सारी की सारी इशू कर दी इसलिए ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इस 600 वाली के अंदर से हमने 300 यूनिट्स इशू कर दिए तो ये रिमेनिंग कितने रह गए, 300 यूनिट्स बच गए। तो 300 यूनिट्स और इनकी रेट है 5 रुपये और टोटल वर्थ बनती है 1500 रुपये की ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ कि मार्च 11 को कंपनी फिर से 100 यूनिट्स परचेज करती है 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, ठीक है, इसको हम इंटर करते हैं। यहाँ पे डेट आ गई 11 मार्च, 100 यूनिट्स कंपनी ने परचेज किए 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, 100 को 4 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 450 रुपये की ये इन्वेंट्री परचेज हुई। इशूड का कॉलम ब्लैंक रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेंट्री इशू नहीं की गई। अब बैलेंस कितना आएगा, अब बैलेंस के अंदर ये 300 यूनिट वाली इन्वेंट्री वैसे की वैसे आ जाएगी और ये ऊपर आएगी, ठीक है, ये जो नई 100 यूनिट्स वाली इन्वेंट्री है ना ये इसके नीचे आ जाएगी कि हमने नए 100 यूनिट्स परचेज किए 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से और इनकी वर्थ है 450 रुपये। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ कि 16 मार्च को कंपनी ने 300 यूनिट्स परचेज किए 5 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। अब हम इसको लेजर में एंटर करते हैं, यहाँ पर डेट आ गई 16 मार्च, यूनिट्स परचेज किए गए 300, एक यूनिट की प्राइस है 5 रुपये 50 पैसे, 300 को 5 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1650 रुपये की ये इन्वेंट्री परचेज की गई। इशूड के कॉलम ब्लैंक रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेंट्री इशू नहीं की गई। अब बैलेंस कितना बनेगा कि ये जो ऊपर वाली इन्वेंट्री है ना ये एग्जैक्टली वैसे आ जाएगी, जो नई इन्वेंट्री परचेज हुई है ना ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी कि 300 यूनिट्स के हिसाब से और इन्वेंट्री परचेज की गई, एक यूनिट की प्राइस है 5 रुपये 50 पैसे और टोटल अमाउंट बनती है 1650 रुपये। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं, वो है कि मार्च 20 को वेयर हाउस ने 250 यूनिट्स इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब यहाँ पे चूंकि इशू हो रही है इन्वेंट्री तो यहाँ पे हम लाइफो का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे लेजर के अंदर सबसे पहले डेट आ गई 20 मार्च, परचेज का कॉलम ब्लैंक रहेगा क्योंकि कोई इन्वेंट्री परचेज नहीं हुई बल्कि इन्वेंट्री इशू की गई है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री कितनी इशू करनी है, वो है 250 यूनिट्स इशू करने हैं और हमारे पास बैलेंस ये पड़ा हुआ है, 300 यूनिट पड़े हुए हैं, फिर 100 यूनिट है, फिर 300 यूनिट है, ये और ये जो 300 यूनिट वाली इन्वेंट्री है ना ये सबसे लास्ट पे परचेज हुई है तो इसी इन्वेंट्री के अंदर से हम 250 यूनिट्स इशू कर देंगे और इनका रेट क्या है 5 रुपये 50 पैसे, 250 यूनिट यहाँ पे इशू किए गए 5 रुपये 50 पैसे के हिसाब से और इसकी टोटल अमाउंट बनती है 1375 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस के अंदर ये जो ऑर्डर है ना कि जो इन्वेंट्री पहले आई थी ना
वो पहले रहेगी और जो बाद में आई थी ना वो हमेशा बाद में आएगी। यहाँ पे ऑर्डर को चेंज नहीं करना, इसलिए ये जो 300 वाली इन्वेंट्री है ना, ये ऊपर वाली ये एग्जैक्टली वैसे आ जाएगी, 100 वाली भी एग्जैक्टली वैसे आ जाएगी, लेकिन ये जो नीचे वाले 300 यूनिट्स है ना जो सबसे लास्ट पे आए थे जिसके अंदर से हमने 250 यूनिट इशू कर दिए, ये यहाँ पे सबसे इसी तरह नीचे आ जाएगी। ये ऑर्डर वैसे का वैसे रहेगा, ऑर्डर को बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे 300 यूनिट थे, 300 यूनिट के अंदर से 250 यूनिट इशू हो गए तो पीछे बच गए 50 यूनिट और इनका रेट है 5.50 रुपये, टोटल इनकी वर्थ बनती है 275 रुपये। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ कि मार्च 29 को वेयर हाउस ने 300 यूनिट्स इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब यहाँ पे फिर इशू किए गए और इशू के अंदर हम लाइफो का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो सबसे लास्ट वाली इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है ना उसी के अंदर से 300 यूनिट्स को इशू किए जाएंगे। यहाँ पे लेजर के अंदर डेट आ गई 29 मार्च, ठीक है। परचेज का कॉलम वैसे ही ब्लैंक रहेगा क्योंकि यहाँ पे इशू की गई इन्वेंट्री। अब यहाँ पे 300 यूनिट्स को इशू करना है और हमारे पास ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये जो 50 यूनिट्स है ना ये सबसे लास्ट में आए थे, तो सबसे पहले इन 50 यूनिट्स को इशू किया जाएगा। ये जो 50 यूनिट है, एक यूनिट की प्राइस है 5.50 रुपये और इनकी टोटल अमाउंट बनती है 275 रुपये, ठीक है। 300 में से ये 50 यूनिट इशू कर दिए गए, पीछे बच के 250 यूनिट और इशू करने हैं, ठीक है। 100 यूनिट्स वाली ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ये सारी की सारी वैसे इशू कर देंगे। 100 यूनिट की ये इन्वेंट्री थी 4.50 रुपये के हिसाब से, इनकी टोटल अमाउंट बनती है 450 रुपये। 50 यूनिट ये, 100 यूनिट ये बन गए 150 यूनिट। हमें इशू करने हैं 300 यूनिट, तो 150 यूनिट हम और पीछे इन्वेंट्री की तरफ जाएंगे। ये 50 पहले इशू कर दिए गए, उसके बाद ये इशू किए गए, उसके बाद अब इसकी बारी आती है। यहाँ पे हम 150 यूनिट इशू करेंगे 5 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे 150 यूनिट इशू किए 5 रुपये के हिसाब से, इनकी अमाउंट बनती है 750 रुपये। अब यहाँ पे जो 50 यूनिट वाली इन्वेंट्री थी ना ये तो सारी इशू होगी, इसी तरह 100 यूनिट वाली इन्वेंट्री भी सारी इशू होगी, तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस यही होगा कि ये जो 300 वाली इन्वेंट्री थी ना इसके अंदर से हमने 150 यूनिट इशू कर दिए, तो 300 में से 150 माइनस करें तो पीछे बच जाते 150 और पर यूनिट प्राइस है 5 रुपये, टोटल इनकी अमाउंट बनती है 750 रुपये। तो ये बेसिकली आपका क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च को जो वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो 150 यूनिट पड़े हुए और उनकी टोटल अमाउंट बनती है 750 रुपये। तो ये कॉन्सेप्ट था लाइफो का कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो इन्वेंट्री वेयर हाउस के अंदर सबसे लास्ट पे आई है वो सबसे पहले इशू की जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।